alaikum students. How are you all? Hope you are doing well at home. Today we are going to study the seventh lesson of our English book, The Cat's Paradise. Just imagine that we come from school or office and have no place to go. What would we do? How unsafe and uncomfortable we would feel. Our homes are small, beautiful worlds where we enjoy the love and care of our parents. The cat's paradise presents a contrast between freedom and comfort. Louis, a fat domestic cat of Cherry, experiments to leave her home to enjoy the attractive life of streets. Fascinated by the act, Louis is happy to wander around. He comes to his senses when he feels the pangs of hunger in his stomach. He had never fetched his food. In fact, the food had always come to him. He realizes that the streets are beautiful only when seen from behind the windowpans of one's home. In reality, the situations are quite difficult. Do you have any pet animal at home? How does it behave in different situations? Does it like to be indoors or roam freely outside with other animals? Read the story and find out. हाउ लो चेंज इट हिज माइंड अबाउट फ्रीडम आफ्टर रूमिंग आउटसाइड विद अदर कैट्स आल्सो फाइंड आउट वेदर दिस होल्ड ट्रू ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट तो आज हम पढ़ेंगे द कैट्स पैराडाइज बिल्ली जो है उसकी दुनिया उसकी जन्नत उसी के बारे में पढ़ेंगे पैराडाइज जन्नत को कहते हैं वो उस जगह को कहते हैं जहाँ हम सुकून से रहते हैं जहाँ हम खुश रहते हैं जस्ट इमेजन दैट वी कम फ्राम स्कूल ये बोलते हैं कि इस लेसन में कि जब हम स्कूल से लौटते हैं स्टूडेंट्स हो टीचर्स हो तो जब हम स्कूल या ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से आते हैं अगर हम सोचें एक मिनट के लिए कि हमें कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए यूजली क्या करते हैं हम स्कूल से निकलते हैं हमें इतनी खुशी होती है मतलब बच्चों को कि हम घर कब पहुँचेंगे लेकिन अगर हमें ये पता हो कि हमारा कोई घर नहीं है कोई जगह ही नहीं है ऐसी जहाँ पे हमें जाना है आप स्कूल से लौट के हम स्कूल में रहते इसके बाद हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है हम इतने खुश होंगे तो हम क्या करेंगे उस वक्त तो बोलते हैं ये हाउ अन एंड अनकम्फर्टेबल वी वुड फील कितना मतलब हम अनसेफ हमें परेशानी होगी हमें मतलब अनकम्फर्टेबल फ़ील होगा हमें मज़ा ही नहीं आएगा हम परेशान रहेंगे कि नहीं हम जाएंगे कहाँ तो क्योंकि हमारे जो घर होते हैं वो हमारी एक छोटी सी दुनिया होती है वो घर नहीं होता हमें लगता है एक बहुत बड़ा संसार है हमारे लिए घर छोटा हो बड़ा हो अच्छा हो बुरा हो लेकिन घर घर ही होता है जहाँ हम खुशी से रहते हैं ख़ुशी से खाते हैं खुशी से पीते हैं और जहाँ हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमें प्यार देते हैं शफकत देते हैं हमारा ख्याल रखते हैं तो इसलिए हमें घर जैसा कोई चीज़ नहीं लगती तो कैट्स पैराडाइज ऐसे ही कैट की दुनिया कैट का घर कैट मतलब उसका जन्नत उस बिल्ली का तो उसी के बारे में ये कहानी है लेकिन उसको मतलब डिफरेंट चीज़ लगती है उसको लगता है जो मेरा घर है ये मेरे लिए एक मतलब उसको जेल जैसा फील होता है उसको लगता है कि वो जब मतलब खिड़की से देखता है वो कैट एक बिल्ली होता है तो वो बिल्ली को लगता है कि वो मेल बिल्ली है लेकिन उसको बिल्ला कहते हैं तो वो जो होता है तो उसको लगता है कि खिड़की से जब देख रहा होता है बाहर के लोग कितने खुश हैं वो यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं मैं अंदर बंद हूँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसका नाम लुइस होता है वो एक मोटी कैट होती है फैट डोमेस्टिक कैट जिसको पालतू मतलब बिल्ली बोलते हैं वही होती है इसका उसके जो मालिक का नाम उसका नाम होता है चरी तो, तो वो सोचती है बिल्ली तो बिल्ली को लगता है कि मैं बाहर जाऊँगी या बिला वाट बिल्ला होता है बिल्ली होती है जो भी तो वो उसको लगता है कि मैं बाहर जाऊंगी, तो वहाँ की दुनिया बहुत खुश है वहाँ की दुनिया बहुत अट्रैक्टिव है तो मैं मैं क्या करती हूँ मैं घर छोड़ देती हूँ और बाहर जाती हूँ और अपने ही इन मतलब गलियों में चौराहों में मैं घूमूँगी जब वो वहाँ से निकलती है तो वो बहुत खुश होती है ही बट ही कम्स टू हिन्स वो बिला होता है वो बिली नहीं होते ही कम्स टू हिन्स उसको तब समझ आता है उसको तब अक़ल आती है जब उसको भूख लगती है वो सोचने लगता है वो बिला घर में जब मैं होता हूँ तो मुझे खाना मेरे पास आता है ना कि मुझे खाने के पास जाना चाह जा, मतलब जाना पड़ता है लेकिन यहाँ जब मैं घूमता हूँ यहाँ मतलब घूम घूम के मैं थक गया हूँ कुछ भी इतना खूबसूरत कुछ भी नहीं है जितना मुझे वहाँ खिड़की से जब मतलब वेन आई वॉज पीपिंग थ्रू वंडो तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वहाँ पे खूबसूरत लगता है ये दुनिया दूर से खूबसूरत लगती है लेकिन जब हमें इसमें मतलब आ, रहना पड़ता है हमें इसकी रियलिटी समझ आती है तो हमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो हमें दूर से लगता है तो वही बात उसको भी रियलाइज होती है और ही रियल ओनली वैन सीन फ्राम बिहेंड द विंडो पैंड होम इन रियल्टी आर क्वाइट डिफिकल्ट हकीकत में ये सिचुएशन जो होती है ये बहुत ही सख्त होती है तो ये बोलते हैं अब डू यू हैव एनी पैट एनिमल एट होम बच्चों आपके पास कोई पेट एनिमल है जैसे आपने कैट को पेट बनाया है पालतू जानवर है आपके पास कैट है डॉग है किसी के पास होता है कॉ किसी के पास हैन किसी के पास होता है लाइक यू you नो know, कोई काऊ होता है घोड़ा होता है हैं uh, कैट वो बर्ड्स में आते हैं लेकिन हम बर्ड्स एनिमल्स वाट एवर बहुत सारी पालतू रखते हैं तो इसमें ये पालतू लेकिन जानवर के बारे में एनिमल के बारे में बोलते हैं कि आपके पास कौन सा एनिमल है गाय तो होती है हमारे घर में तो ज़्यादातर लोग गाय पालते हैं तो अगर आपके पास बिल्ली है या कुत्ता है या कोई भी पालतू जानवर है आप बोलेगा हाउ डज इट बिहेव इन डिफरेंट तो ये पूछते हैं कि वो कैसे हो मतलब जब उसको भूख लगती है तो वो कैसा मतलब बिहेव करता है यूजली जब जानवरों को भूख लगती है वो क्या करते हैं वो अपने आवास बाजे निकालते हैं डज इट लाइक टू बीडोर्स उसको क्या लगता है उसको अच्छा लगता है अंदर या उसको भी लगता है बस एकदम से मैं घूमू फ्री वैसे जानवरों को ज्यादातर अच्छा लगता है जब वो फ्री घूमते हैं उनको अच्छा नहीं लगता जब वो बंद रहते हैं. अगर उनको खाना भी हो कुछ भी हो तो उनको नहीं लगता अच्छा तो बोलते हैं कि आप ये सारी कहानी पढ़ो और देखो कि लुइस जो ये मोटा कैट होता है वो पहले सोचता है कि मतलब मैं घूमूं लेकिन फिर वो अपने, अपने अपना जो दिमाग है वो सोच अपना कैसे बदलता है उसको क्या लगता है पहले उसको लगता है फ्रीडम बाहर घूमने हैं मैं लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि बाहर घूमने में कोई फ्रीडम कोई आज़ादी नहीं है आलथो फाइड वेदर दिस होल्ड ट्रू और आप ख़ुद भी मतलब सोचो क्या ये सच है जो लुइस को लगता है फिर वो यहाँ पे बोलते हैं ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट ये सबको लगता है ईस्ट हो या वेस्ट हो दुनिया में कोई जगह हो सबसे अच्छा होता है हमारा अपना घर जहाँ पे हम खुशी से रहते हैं जहाँ पे हम मज़े करते हैं जहाँ पे हम अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं और जहाँ पे हम पार, हमारे पेरेंट्स हमारा केयर करते हैं तो वस्ली जो घर होता है घर जैसी कोई चीज़ नहीं होती बाक़ी हम कल पढ़ेंगे थैंक यू